हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला आया सामने। दरअसल एपी वाजपेयी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही सभी विभागों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि वो अपने अपने विभाग परिसर में लगे सभी सरकारी विज्ञापनों को तुरंत हटवा लें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा के दो दिन बाद भी सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल के परिसर में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का विज्ञापन लगा हुआ था। इसकी शिकायत किसी व्यक्ति ने हल्द्वानी रिटर्निंग अफसर को कर दी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी SOP है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में एक हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, इसमें हमारा जो आदर्श आचार संहिता प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नगर निगम की और अन्य जो विभागीय टीमें हैं उनके माध्यम से 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो SOP के तहत निर्धारित जो उसमें मानक हैं उसके अनुरूप जो भी प्रचार सामग्री है उसको हटाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम नेता BJP में लगातार शामिल हो रहे हैं। नेताओं में कई सिटिंग और पूर्व विधायक शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर BJP पर आरोप लगा रही है कि BJP ने नेताओं पर ED और CBI का डर दिखाकर उन्हें डराया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सफाई दी है और कहा है कि जो भी लोग करप्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोई करने का हुआ नहीं। ED और CBI पहले से भी है और ED CBI किसको करती है ये सबको पता है। इसका मतलब उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है। लोग कहते हैं उससे डरते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है उसके यहाँ ED जाएगी, CBI जाएगी, वो किसी दल में रहो। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ना CBI की तंग करती है ना ED तंग करती है। भाजपा का कुनबा उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता BJP की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं पूर्व में बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली है, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरह से देश में विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली है। मंत्री जी, अमित शाह जी और पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना और उनका जो नेतृत्व क्षमता है उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाल ही में कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि BJP डर दिखाकर और मुकदमों और जेल जाने के डर से ही कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि BJP ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें डालने के बाद जिनको BJP दागी नेता कहती है वहीं बाद में क्लीन होकर निकलते हैं, यानी कि BJP में शामिल होते ही वही नेता पाक साफ हो जाते हैं। मैंने आरोप नहीं लगाए हैं, मैंने तथ्य आप सबके सामने रखे हैं। जो BJP की सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उनकी जो आज की हालत है, दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो, तो ये BJP कर सकती है। उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है, मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाए और मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलते हैं। अब देखना है कि जिनके ऊपर उत्तराखंड की BJP सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं या ED की जांच जिन पर बैठी है, वो वॉशिंग मशीन में जाने के बाद क्लियर निकलते हैं या वो दोषी निकलते हैं। देखिए, वो अच्छी उत्साह में है और मुझे लगता है कि कहना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जाएगा या तो उसकी फाइल दबी हुई होगी या उसके खिलाफ कोई मुकदमा होगा।
सिद्धपीठ सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन मंगलवार से अगले 3 दिन तक पूरी तरह से बंद रहेगा। 19, 20 और 21 मार्च को रोपवे का मरम्मत कार्य किया जाएगा। रोपवे बंद रहने के दौरान सुरकंडा मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कद्दूखाल से मंदिर तक 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर पहुंचना होगा। चैत्र नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्र के दौरान रोपवे के संचालन में कोई परेशानी उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए रोपवे का मरम्मत कार्य पहले करने का निर्णय लिया गया है।